अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज संडे है, अप्रैल की 17 तारीख। आज आप लोगों से गार्डन का ओवरव्यू और अपडेट शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और जो हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और हमारी वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड्स, तो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है, तो सारे प्लांट्स 10 बजे ही मुरझाए से हो जाते हैं। बहुत तेज़ धूप निकल आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो विंटर वाले हमारे प्लांट्स जो हैं वो अब ख़राब होने लगे हैं। थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही है इसमें, और ये हमारा एक जोरा बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, जो पिंक वाला है वो छोटा सा प्लांट है, और ढेरों उनमें बड्स आई हुई हैं और खिल रहे हैं गुच्छे। और ये गुड़हल का प्लांट्स, इनमें भी फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है, और बहुत तेज़ धूप में रखा हुआ है। सारा दिन की धूप इस पर पड़ती है, तो फ्लावर कुछ इस टाइम आज कम ही है इनमें। और ये मोस्ट रोज़ परचूलका, इनके लिए तो धूप बहुत अच्छी होती है, इनको बहुत पसंद है धूप, तो इनमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होने लगी है, और ढेरों कलियां इनमें बड्स आई हुई हैं। तो इनको इधर ज़्यादा धूप जिधर रहती है सारा दिन, उधर ही शिफ्ट कर दिया है इनको, तो इनमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। जो येलो वाला जो नहीं था हमारे पास कलर, उनमें बहुत ही अच्छे से आ रही हैं, पूरा पॉट भर जाता है फूलों से। और इनमें देखिए बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं, और सारी टिप पर कलियाँ भरी पड़ी हैं, तो इनमें अब फ्लावरिंग अच्छे से होने लगी है। किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा होती है, और वाइट और ये पिंक कलर में, और लाइट पिंक में भी है, कई कलर में फ्लावर खिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मिक्स जब खिलते हैं, मिक्स रहते हैं हर कलर के, तो इसको हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लगाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारे इधर छोटे छोटे जो टोकरी में रखे हुए हैं, तो हैंग करने वाली जगह इधर है नहीं, तो हमने ऐसे ही ज़मीन में रख दिए हैं, तब भी अच्छे लग रहे हैं। और हैंगिंग प्लांटर में तो, और ये हैंगिंग पॉट्स में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इधर जो हमने लगाए थे उनमें भी बड्स आ गई हैं, मेरी गोल्ड गर्मियों वाले। और ये इधर जो हम छत से ला के बोगनवेलिया नीचे रख दिया है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी धूप, तो सब में कलियाँ हैं, सब में फ्लावरिंग अब स्टार्ट होगी गर्मी वाले परमानेंट प्लांट में, जैसे कि गुड़हल है और मधुकामनी है और ये बोगनवेलिया है। और ये बीज डाल दिए थे तो बहुत ही जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही उगाए हैं, मॉर्निंग ग्लोरी के बीज हैं ये, तो हमने कई जगह डाल दिए थे तो सब जगह निकल आए हैं। और ये गुमफ्रेना और ये मैरीगोल्ड, इसमें भी कलियां हैं। तो इधर काफ़ी दिन से हमने फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, तो असर दिख रहा है, हमें बराबर फर्टिलाइज़र देना चाहिए, हर 15 दिन पर ज़रूर देना चाहिए। और इस टाइम तो लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो अभी जल्दी ही दिया है लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी दिन के बाद, तो अब अच्छे से ग्रोथ होगी इन सब की। और बहुत तेज़ धूप हो गई है, देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी नींबू की, ये नींबू छोटे छोटे से 1-2 ऐसे ही रुके हैं, 3-4 हैं शायद, बाकी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग थी तो सारी गिर गई, फ्लावरिंग जो है सब झड़ गई है, बहुत तेज़ धूप, अचानक से बहुत तेज़ गर्मी हुई इसीलिए। और ये एक करेला का भी रुक गया है, देखिए छोटा से करेला बन रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है जब कुछ वेजिटेबल्स वाले में कुछ लगती हैं छोटी छोटी सी। और इनमें अब बड्स आने लगी है, ये पूरा कटिंग कर दिया था मिर्च की प्रूनिंग, तो अब फिर से आई हैं इनमें कलियां। और ये नींबू के प्लांटर में जो हमने मिर्च के डाले थे वो लग गए हैं, और उनमें फ्लावरिंग भी छोटे छोटे से आ गई है, छोटे छोटे प्लांट हैं ढेरों, और उनमें फ्लावरिंग भी आ गई है, कलियां बन गई हैं। और ये जो पत्ते हमने भर के रखे हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ था पत्तों का, तो बोरी में भर के रख दिया है, डर रहता है कहीं कुछ बैठ ना जाए। और ये छोटी छोटी से कितने ढेर सारे मिर्च के प्लांट बन गए हैं, ये अपने रिलेटिव के यहाँ से हम लाए थे, गोल वाली मिर्च थी, तो इनमें बड्स आने लगी हैं, देखिए फ्रेंड्स ये लंबे लंबे से हो गई हैं, छोटे ही प्लांट में आ गई हैं, इनको पिंच भी कर दिया था तभी फिर से आ गई हैं कलियाँ, देखो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, दिख रहा है पता नहीं कि नहीं, छोटी छोटी सी कलियाँ इनमें हैं।
फ्लावरिंग होगी, उसके बाद देखो इसमें रुकती है मिर्च कि नहीं। बहुत ही अच्छी मैरून कलर की गोल वाली मिर्च है ये, तो एक मिर्च के बीजों से इतनी ढेर सारे प्लांट बन गए हैं। तो फ्रेंड्स यही सुबह कर रहे थे सफाई, और पत्ते जो हमारे यहाँ ढेर लगे हुए थे उनको बोरियों में भरा है और इधर शिफ्ट किए हैं, जो हमने रिपोर्ट किए हैं। सुबह सुबह ही हम करते थे एक दो करके, रोज़ा रहते थे तो अच्छा नहीं लगता था धूप में, बहुत तेज़ धूप में इधर काम करते हुए। तो सुबह सुबह 6 बजे आते थे तो एक दो प्लांट, यही गर्मियों वाले जो हमने सैपलिंग से लगाए थे, तो एक दो करके रिपोर्ट किए हैं, सुबह सुबह के टाइम ही कर लिए थे। और इधर हमारी जितनी भी कटिंग है चल रही है अच्छे से, और ये कनेर की कटिंग देखिए अभी जल्दी ही आप लोगों से शेयर किया था, उनमें आ गई हैं, देखिए निकल रही हैं पत्तियाँ छोटी छोटी। और ये कटिंग करके इधर रख दिया था, इसका प्लांट कुछ ख़राब होने लगा था स्वीट पोटैटो वाइन का, तो इनको कट करके पानी में डिप करके रख दिया था। देखिए कितनी अच्छे से रूट इनमें आ गई है, इनको हम लगा सकते हैं अब पानी में भी, और ऐसे ही पानी में भी रख सकते हैं और मिट्टी में पॉट में लगा सकते हैं इनको, तो हमारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। एक्जोरा में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग आ रही है, इनमें भी हमने कुछ नहीं दिया था तो अभी जल्दी ही हमने इनमें दिया है फर्टिलाइज़र, जाइम वगैरह वही सब दिया है, और लिक्विड वाला भी दे दिया था। काफ़ी दिनों से हमने दिया नहीं था कुछ फर्टिलाइज़र, ना ही लिक्विड वाला ना ही ऐसे ही जो होता है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या जाइम, कुछ भी नहीं दिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आंगन में वेस्ट डब्बे ऐसे टंगे हैं तो कितना प्यारा लग रहा है। देखिए ये स्पाइडर प्लांट है, तो बहुत तेज़ धूप में था तो इसको अंदर ला के यहाँ हैंग कर दिया है। ये सारे वेस्ट डब्बे हैं और कितने अच्छे से उनमें प्लांट लगे हैं, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये लगा हुआ है देखिए बोट लिली, और इसको रोहियो प्लांट भी कहते हैं। और ये मधुमालती के नीचे हमने छोटी छोटी सी सिंगोनियम की कटिंग लगाई थी, तो कितने अच्छे से कटिंग सिंगोनियम की लग गई है, उनको शिफ्ट भी करना है, रिपोर्ट करना है। और ये तुरई की बेल है, हमने बीज लगाए थे और करेले के ऐसे ही यहाँ लगा दिए थे कि लगेंगे नहीं लगेंगे, तो लग गए हैं सारे, और ये सहारा ढूंढ रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, तो हमें इनको कुछ देना चाहिए, अब कुछ करेंगे इनका, चढ़ाएंगे इनको। और बहुत तेज़ धूप हो गई है, दोपहर की बहुत तेज़ धूप है, सारे फ्लावर मुरझाए हुए से लग रहे हैं, देखिए कितनी तेज़ धूप में, और देखिए कैसे चल रहे हैं, जैसे जल रहे हैं सब। और ये मोगरा है बेला, इनमें भी फ्लावरिंग होती रहती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और नीचे जो हमारे यहाँ वो बच्चा है छोटा से बकरी का, वो खा लेता है नीचे, ऊपर पहुँच नहीं पाता है तो दो पैरों से खड़ा होके फिर कोशिश करता है। और इधर करेला है, इसको भी चढ़ाना है ऊपर, सहारा देना है उसको भी, तभी वो चढ़ेगा। और फ्लावरिंग देखिए मॉस रोज़ और परचुलका में शुरू हो गई है, अब रोज़ होती है ऐसे 1-2-3 ऐसे हुआ करती है थोड़ी थोड़ी, जब फुल ब्लूमिंग होंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वेस्ट डब्बे हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड, आप लोग भी देखें। ये वेस्ट टोकरी है किचन की, तो उसका रीयूज किया है, उसको देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही लंबी लंबी इनमें ब्रांच थी मनी प्लांट में, तो उसको भी काट दिया था, तो अब ग्रोथ फिर से हुई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सावरिंग करके पानी कई दिन से नहीं किया है सावरिंग, तो गंदे हो रहे हैं पत्ते। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये विनका है, ऐसे ही अपने आप से निकला है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ढेर सारे पत्ते यहाँ गिर के इकट्ठा हो गए हैं, तो इनको भी बोरियों में भरना था हमको, तो सुबह सुबह ही ये काम किया है हमने। बहुत ढेर सारे पत्ते हो जाते हैं, डर लगता है कि कहीं कुछ कीड़ा बैठ ना जाए, तो इतने तो हमने कई दिन पहले भर दिए थे, मिट्टी ऊपर से डाल दी थी, तो ये बोरियाँ ख़राब होने लगी हैं, इनमें हमको प्लांट लगाना है दूसरी बोरियों में करके। और इधर बहुत ढेर सारे हो गए थे, छत से ऊपर से गिर के आए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ ढेरों लग जाते हैं, तो इनको भी हम बोरियों में भर के रख देंगे और मिट्टी डाल के प्लांट लगा देंगे। बहुत ढेर सारे प्लांट तैयार हुए हैं, उनको लगाना भी है, तो बोरी हमारी ख़राब हो जाती है जल्दी ही धूप में और बारिश में, तो इनको फिर बदलना पड़ता है, तो और उनमें मिट्टी डाल के लगा देते हैं प्लांट, तो बहुत ही अच्छा होता है, मिट्टी की भी कमी पूरी हो जाती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है जितने भी प्लांट लगाओ। अब इन सब को रिपोर्ट करना है, जितने भी हमारी कटिंग है तैयार हो गई है, रोज़ की है और हिबिस्कस की है, और ये
टिकोमा की तैयार हो गई है, उनको लगाना है, मनी प्लांट को लगाना है ये सारी, और मिर्च भी लगानी है, और कनेर की भी कटिंग तैयार हो रही है, उनको भी लगानी है।